जय हिंद, नमस्कार। बात करेंगे SSC रिवर्ट 2023 और 2024 के बारे में। तो आप लोग बताइए, आपके फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं, तो फिजिकल के साथ साथ आपका PHT होगा, PET होगा, DB होगा और DME होगा, ठीक है। मतलब कि ये सभी चीज़ एक साथ आपके एक दिन में जारी की मतलब कि करवाए जाएंगे। तो फिजिकल एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन जो कोड है इसको फिल करके सर्च करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपके पास रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर से तो यहाँ फिल करके डेट ऑफ बर्थ फिल करके और ये कैप्चा जो है इसको फिल करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वो मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको किस इस कंडीशन में क्या करना है, तो उसके इस कंडीशन आपको अपने नेम से नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सभी चीज़ डालने के बाद अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है। तो आपका जो सतो सेंटर कहाँ पे है फिजिकल का और आपका किस डेट में है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट है कि इंट्रेक्शन में हमें क्या क्या लेके जाना है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो आपका फिजिकल एडमिट कार्ड हो उसको तो लेके जाना है, एक आईडी लेके जाना है जिसमें आपके नाम सही हो, ठीक है। चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पासपोर्ट हो आपका, जिसमें नाम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, सभी चीज़ें मैच करती हो। अगर आप लोग SSC भर्ती 2024 और 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुक आपकी रहेगी मैथ की और इस बुक में खासियत ये है कि आपको इस बुक में 750 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस बुक में चैप्टर वाइज आपको विषय मिल जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, LCM SCM हो गया और यहाँ पे मतलब कि दशमलव और भिन्न हो गए, सरलीकरण, आपको ये सभी चीज़ इसमें देखने को मिल जाए। और इसकी स्टडी गाइड के साथ साथ इसके प्रैक्टिस सेट बेलन गुड हैं, आपको ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, रीजनिंग की स्टडी गाइड मिल जाएगी, मैथ की मिल जाएगी और सामान्य ज्ञान और हिंदी की मिल जाएगी। आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील से इसको बाई कर सकते हो। एक आईडी ये लेके जाना, उसके बाद आपका DB के लिए तो क्या होगा, DB के लिए आपके इंटर हाई स्कूल और जो आपका सर्टिफिकेट बनवाए थे, कास्ट सर्टिफिकेट और साथ आपका जाति प्रमाण पत्र, तो ये सभी चीज़ें लेके जाना है। मतलब कि जो आपने फॉर्म का अप्लाई करते वक्त लगाए थे जो मतलब कि जिस डॉक्यूमेंट को, उनको आपको साथ में लेके जाना है और वहाँ पे जाना, चेक करवा लेना, वहाँ पे आपका DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सही होगा तो साथ आपको मतलब कि अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा, अगर आपका गलत होगा तो आपको साथ वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या DME में साथ हमको डिटेल मेडिकल टेस्ट में हमें मतलब कि मिलेगा RME, तो री मेडिकल टेस्ट देखिए बच्चों को मिलेगा, आपको लगभग 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको सही करवाने के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है तो आप लोग अभी एक दो दिन में सही करवा लीजिए वहाँ पे साथ हो, क्योंकि 15-20 दिन से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा DME के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है साथ हो आपका जो फिजिकल है वो सही हो जाए, क्लियर हो जाए और आप लोग अब की बार अपने बदन पे आर्मी की वर्दी ले लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चे अपना एडमिट कार्ड निकाल चुके कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।